बम्बाद गुड्डू मुस्लिम एक ऐसा शख्स जो आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो उमेश पाल हत्याकांड हो, चाहे वो असद का एनकाउंटर हो, या फिर अतीक और उसके भाई की हत्या का कांड हो, सब में गुड्डू मुस्लिम का नाम आ रहा है। बम्बाद गुड्डू मुस्लिम एक ऐसा शख्स है जो बम बनाने में इतना माहिर है कि वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बैठे बैठे चंद मिनटों में बम बना देता है। अगर चाहे वो बाइक पे बैठा हो, चाहे साइकिल से हो, चाहे फोर व्हीलर से हो, वो चंद मिनटों में बम बनाकर अपने विरोधी पर अटैक कर देता है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ चीफ अमिताभ यश बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम के पास एक थैला रहता है जिसमें वो हमेशा बम बनाने की सामग्री साथ में लेके चलता है, और मौका पाते ही वो बम बनाकर अपने विरोधी पर अटैक कर देता है। जैसा कि आपने देखा भी है, उमेश पाल हत्याकांड में बम्बाज गुड्डू मुस्लिम एक झोले से बम निकाल निकाल कर धाय धाय फायर कर रहा था। तो चलिए आज हम जानते हैं उस बम्बाज गुड्डू मुस्लिम के बारे में जो अतीक का सबसे चहेता है, जो सबकी जुबां पे है। कौन है गुड्डू मुस्लिम, कैसे वो इतना बड़ा अपराधी बना, इतना बड़ा क्रिमिनल बना। बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो ये भी दिखा रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक, उसके भाई, उसके बेटे सबको मरवाया है। सबके मरवाने में, सबको मारने में, मरवाने में कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम का हाथ है। कई मीडिया चैनल तो ये भी दिखा रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम अतीक की बीवी साइस्ता को लेकर भाग गया, यानी कि साइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दोनों एक दूसरे के साथ फरार हो गए। दोनों अंडरग्राउंड हैं, अभी तक मिले नहीं। ना ही साइस्ता, जिसके पति की हत्या हो जाती है, जिसके बेटे का इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कब्र पर नहीं आती है। सबकी नज़रों में, सबके दिमाग में, सबकी जुबा पर एक ही बात थी, साइस्ता आएगी, साइस्ता आएगी, लेकिन वो नहीं आती है। आखिर क्या मजबूरी है जो वो नहीं आ रही है, भागती फिर रही है। इतना सब कुछ होने के बाद तो उसे आना चाहिए था। इसी वजह से कई मीडिया चैनल ये कयास लगा रहे हैं कि वो दोनों भाग गए, और शायद इन्हीं सब कारणों से गुड्डू मुस्लिम ने अतीक की हत्या करवा दी। तो चलिए हम बात करते हैं उस गुड्डू मुस्लिम के बारे में, उस बम्बाद गुड्डू मुस्लिम के बारे में, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बड़े माफियाओं के साथ रहा है। वो कैसे अतीक के संपर्क में आता है और अतीक का इतना खास बन जाता है। ये सारे कारोबार गुड्डू मुस्लिम ही चलाता था। पिछले काफ़ी दिनों से अतीक जेल में बंद है, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम ही उसका सारा काम धंधा, उसके क्राइम की सारी चीज़ें गुड्डू मुस्लिम ही देखता था। वो बचपन से ही बदमाशी का शौक रखता था। बचपन में ही उसने बम बनाने की टेक्निक सीख ली थी। उसका जन्म प्रयागराज में हुआ था। उसकी बदमाशी के चलते ही उसके घर वाले परेशान होकर उसे लखनऊ पढ़ने के लिए भेज दिए थे, और जहाँ पर वो बड़े बड़े माफियाओं के, बड़े बड़े अपराधियों के संपर्क में आया और एक बड़ा माफिया बन गया, बड़ा क्रिमिनल बन गया। गुड्डू मुस्लिम का नाम सबसे पहले चर्चा में तब आया जब गुड्डू मुस्लिम ने अपने गेम टीचर की ही हत्या कर दी। हालांकि गुड्डू मुस्लिम ने पुलिस के सामने कबूला कि हत्या उसी ने की है, लेकिन फिर भी पुलिस कोर्ट में साबित नहीं कर पाई और गुड्डू मुस्लिम छूट गया। फिर गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश के दो बाहुबलियों के संपर्क में था, और वहीं से गुड्डू मुस्लिम ने ठेके दिलाने का काम शुरू किया। लोगों को धमकाकर, बड़े बड़े इंजीनियरों को धमकाकर लोगों को ठेके दिलाया करता था, जिसके एवज में वो मोटा पैसा लेता था। फिर गुड्डू मुस्लिम का नाम एक बार फिर प्रकाश में आया जब उसने एक इंजीनियर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी, और यहीं से गुड्डू मुस्लिम का सफ़र शुरू हुआ। गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश के एक सबसे बड़े डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु मानता था, और एक समय ऐसा आया कि गुड्डू मुस्लिम श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जुड़ गया और श्री प्रकाश शुक्ला के साथ काम करने लगा। लेकिन जब श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो गया, फिर उसके बाद गुड्डू मुस्लिम गोरखपुर के एक माफिया के संपर्क में आया जो ISI के लिए ब्लैक मनी इकट्ठा करता था, रंगदारी वसूलता था, प्लॉटिंग करवाता था। फिर उसके साथ गुड्डू मुस्लिम जुड़ा और उसके साथ काम करने लगा। इसी बीच गुड्डू मुस्लिम को उत्तर प्रदेश पुलिस तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी, और गुड्डू मुस्लिम वहाँ से फरार होकर भाग कर बिहार चला गया। बिहार में बिहार के एक माफिया उदय भान सिंह के संपर्क में आया और वहीं उनके लिए काम करने लगा। बम्बाद गुड्डू मुस्लिम उदय भान सिंह का भी खासम खास बन गया था, लेकिन सन 2001 में गोरखपुर पुलिस ने बिहार से गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया और जेल में बंद कर दिया। फिर उसके बाद गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात अतीक अहमद से हुई, और जब अतीक अहमद विधायक बना गया अपने बाहुबल के दम पर, गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद ने जेल से छुड़वा के अपने साथ लगा लिया। ऐसा अक्सर होता है कि जब आदमी बाहुबली होता है, बड़ा क्रिमिनल होता है, तो छोटे छोटे क्रिमिनलों को अपने साथ जोड़ता है ताकि वो उनके लिए काम करें। और अतीक को भी पता था कि गुड्डू मुस्लिम बहुत काम की चीज़ है, और वो निडर था, निडर होकर हत्याएं करता था, निडर होकर क्राइम करता था, और इसी वजह से वो अतीक के संपर्क में आया और अतीक ने उसे अपने पास रख लिया। धीरे धीरे वो अतीक का काफ़ी चहेता बन गया। अतीक के हर क्राइम में गुड्डू मुस्लिम उसका साथ देता था, चाहे वो राजू पाल की हत्या हो, चाहे वो उमेश पाल की हत्या हो। ऐसे कईयों केस है जिसमें गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का फुल सपोर्ट करता था, लेकिन ऐसी क्या बात आन पड़ी, ऐसा क्या हो गया कि गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक की सुपारी दे दी। अतीक के बेटे असद की लोकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस को लीक कर दी, और जिसके चलते अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हो गया
अतीक की सरेआम गोली मारकर हत्या हो गई। एक इतना बड़ा चहेता, इतना बड़ा सच्चा साथी कैसे आखिर धोखा दे दिया? ऐसा कौन सा कारण है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को मरवा दिया? हालांकि अभी इस सच्चाई से पर्दा नहीं उठा है, क्योंकि अभी भी गुड्डू मुस्लिम फरार है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस जगह जगह कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस जगह जगह उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। साजिश्ता परवीन भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाई है, वो भी जगह जगह छिप रही है। बट जैसे ही इन दोनों में से किसी की गिरफ्तारी होती है, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। कुछ मीडिया वाले तो ये भी कह रहे हैं कि साजिश्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम एक दूसरे को साथ लेकर भाग गए। इन दोनों का कहीं ना कहीं अफेयर था। काफ़ी दिनों तक अतीक के जेल में रहने के बाद इन दोनों की एक दूसरे से नज़दीकियाँ हुई। और कहीं ना कहीं ये सही है या गलत, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता। कुछ मीडिया चैनल जो दिखा रहे हैं, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। मम्बाद गुड्डू मुस्लिम का पकड़ा जाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक गुड्डू मुस्लिम नहीं पकड़ा जाता, तब तक अतीक के राज से पर्दा नहीं उठेगा। क्योंकि जैसे ही अतीक ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, तैसे ही शूटरों ने उसे उड़ा दिया। कहीं ना कहीं अतीक कोई बड़ा राज खोलने वाला था गुड्डू मुस्लिम को लेके। गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही क्यों अतीक को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया? आपकी क्या राय है गुड्डू मुस्लिम के बारे में? आप क्या बोलना चाहेंगे साजिश्ता परवीन के बारे में? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर हम मिलते हैं आपसे किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।